देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा, मैं हूं आपके साथ अनन्या वेदी। बड़ी खबर दिखा रहे हैं करनाल, जहां पर एनडीआरआई में दीक्षांत समारोह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। ये बड़ी खबर, हरियाणा की पहचान दूध दही से है। राष्ट्रपति मुर्मू की तरफ से कहा गया, एनडीआरआई के प्रयोग देश को आगे बढ़ा रहे हैं। हरियाणा अपने खान पान के लिए जाना जाता है, हरियाणा में गाय की काफी सेवा की जाती है। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से कहा गया। तो हरियाणा अपने खान पान के लिए जाना जाता है। करनाल जहां पर एनडीआरआई में दीक्षांत समारोह, वहीं करनाल के एनडीआरआई में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय समेत कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि दूध दही का खाना हमारी संस्कृति में शामिल है। भारत संसार में सबसे ज्यादा दूध उत्पादक वाला देश है। हरियाणा पंजाब के किसानों ने कृषि और पशुपालन में योगदान दिया है। एनडीआरआई संस्थान के शोधों ने पशुपालन और डेयरी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय संस्कृति में दूधों, नहाओ और पूतो फलों का आशीर्वाद दिया जाता है। उन्होंने कहा कि डेयरी क्षेत्र में 75% महिलाओं का योगदान है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में डेयरी सेक्टर का बड़ा योगदान है। देश की बढ़ती आबादी के कारण दूध की मांग बढ़ती जा रही है। दूध उत्पादन को सस्टेनेबल बनाने के लिए काम किया जा रहा है। करनाल के एनडीआरआई में दीक्षांत समारोह, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने समारोह को संबोधित किया। देश की सुरक्षा में हरियाणा का अहम योगदान, सीएम देश को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा जरूरी है, ये सीएम की तरफ से कहा गया। एनडीआरआई में होने वाले प्रयोग से देश को फायदा मिला है, ये सीएम की तरफ से कहा गया। करनाल के एनडीआरआई में दीक्षांत समारोह, जहां पर सीएम मनोहर लाल की तरफ से संबोधित भी किया गया। देश की सुरक्षा में हरियाणा का अहम योगदान है, ये सीएम मनोहर लाल की तरफ से कहा गया। देश को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा जरूरी है, एनडीआरआई में होने वाले प्रयोग से देश को फायदा हुआ है। करनाल के एनडीआरआई में दीक्षांत समारोह, सीएम मनोहर लाल ने समारोह को संबोधित किया। देश की सुरक्षा में हरियाणा का अहम योगदान, देश को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा जरूरी है, एनडीआरआई में होने वाले प्रयोग से देश को फायदा हुआ है। करनाल के एनडीआरआई में दीक्षांत समारोह, सीएम मनोहर लाल ने समारोह को संबोधित किया। और इसी बीच बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दिल्ली से जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना। कल से धरने पर बैठे हैं कुश्ती संघ के पहलवान। 7 महिला पहलवानों ने की यौन उत्पीड़न की शिकायत। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रजभूषण पर लगे हैं यौन शोषण के आरोप। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट इस धरने में मौजूद हैं। तो 7 महिला पहलवानों ने की है यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रजभूषण पर यौन शोषण के आरोप जो है वो लगे हैं। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जो है इस धरने में मौजूद हैं और कल से ही धरने पर बैठे हैं ये सभी पहलवान। हमारी फेडरेशन से कोई इस मामले में कोई बात नहीं हुई है, लेकिन जो सरकार की तरफ से या खेल मंत्रालय की तरफ से जो आश्वासन हमें मिला था कि हम 4 हफ्ते में आपको रिपोर्ट सबमिट करके देंगे और जो भी गुनहगार होगा उसको सजा मिलेगी, तो हम 2.5-2 महीने से इंतजार करें तो अभी तक कोई इसका हमें पता नहीं है, रिपोर्ट सबमिट हुई भी है नहीं हुई है, लेकिन हमारी जो फेडरेशन है वो डे टू डे वर्क कर रही है तो हमें नहीं लगता कि हमें इंसाफ मिला है, तो इसलिए हम वापस अपने धरने में आए।
कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, ट्रेडिशनल वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग कुछ एक लोग हो, सारे लोग नहीं हो, मतलब जो भी मेडलिस्ट हैं सारे मेडलिस्ट आपके सपोर्ट में नहीं है, बड़े बड़े रेस्टर जैसे ये योगेश्वर दत्त जैसे जो रेस्टर हैं वो उनके साथ हैं। देखिए योगेश्वर दत्त जी अभी पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, वो मुझे नहीं लगता है वो अभी खेल से जुड़े हुए हैं। हालांकि जितने भी लेटेस्ट मेडलिस्ट है जो अभी इंडिया के हम टॉप रेसलर हैं वो सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सभी ने बयान भी दिए इसमें। सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगा रही है, क्या है उसकी सच्चाई क्या है? बिल्कुल सच्चाई, इसलिए तो आज हम सच्चाई की लड़ाई के लिए अनशन पे इस पे धरने पे बैठे हुए हैं और यही उम्मीद करते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा। लास्ट टाइम आपने कोई पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट नहीं लिया था, क्या इस बार ऐसा होगा जो भी पार्टीज आएंगी आप लोगों को सपोर्ट करने उसका समर्थन? देखिए हम ना तो किसी पार्टी से, हम पहले देश के खिलाड़ी हैं और हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे अभी ऐसा कोई नहीं है कि आप हमें सपोर्ट करने आइए, चाहे वो चाहे बीजेपी की खुद क्यों ना हो तो वो भी हमें सपोर्ट कर सकती है क्योंकि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कोई भी आया हम उसका स्वागत करते हैं। आप लोग कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। वही भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और ओलंपियन पहलवानों का विवाद दोबारा तूल पकड़ता दिख रहा है। देश के नामी ओलंपियन पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। पहलवानों के धरना प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है। विरोध प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने का कहना है कि महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के संबंध में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दी, लेकिन अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है। पहलवानों की मांग है कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ POCSO के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। उनका कहना है कि वो 2.5 महीने से कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला है। पहलवानों का कहना है कि अब जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता उनका धरना जारी रहेगा। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कल से ही जो पहलवान हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं और दूसरी तस्वीर हम आपको आज की दिखा रहे हैं जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं पहलवान इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जब तक WFI के अध्यक्ष इस मामले में सजा नहीं मिलती तब तक हम इसी तरह से धरने पर बैठे रहेंगे। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पहलवान देखिए आप किस तरह से धरने पर बैठे हुए हैं। कल से ही पहलवान जो है वो धरने पर बैठे हैं और अब पहलवानों की तरफ से कहा जा रहा है कि वो देश के लिए सम्मान लाते हैं, देश के सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं और आज वो अपने सम्मान की लड़ाई के लिए यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। विनोद फोगाट का कहना है कि मैं अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी को इस तरह की स्थितियों का सामना ना करना पड़े, इसलिए मैं यहाँ पर आज धरने पर बैठी हूँ। तो कल से धरने पर है कुश्ती संघ के पहलवान। हरियाणा के